नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कोरोमंडल एक्सप्रेस जो चेन्नई से चलकर हावड़ा तक जाती है। इसकी ट्रेन नंबर है 12842 डाउन कोरोमंडल एक्सप्रेस। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं 12842 कोरोमंडल एक्सप्रेस जो चेन्नई सेंट्रल से चलकर हावड़ा जंक्शन तक जाती है। ये एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस है जो रेक जोन शेयर करती है साउथ ईस्टर्न रेलवे की। ये ट्रैवल टाइम लेती है 27 घंटे 5 मिनट और इसके 15 हॉल्ट्स हैं। ये डिस्टेंस कवर करती है 1662 किलोमीटर। इसकी एवरेज स्पीड है 61 किलोमीटर और ये मैक्सिमम पर स्पीड करती है 110 किलोमीटर पर आवर बिटवीन तोइंडा परेट एंड टू संतरगढ़ची जंक्शन। तो इसको रेटिंग पॉचिलिटी रेल फैनिंग और सेफ्टी में इसको रेटिंग मिलती है और बाकी इसमें बहुत ही कम वोट मिली है। तो इसका इंग्लैंड रन मंडे मार्च 7 को हुआ था 1977 में। इसमें हम लोग को पेंट्री कार ऑनबोर्ड कैटरिंग ई कैटरिंग हम लोग को सारी चीज़ की सुविधा मिलती है। इसमें हम लोग को फर्स्ट क्लास एसी सेकंड क्लास एसी और स्लीपर क्लास के भी कोचेस मिलती हैं और ये हम लोग का रेक शेयर करता है हावड़ा चेन्नई सेंट्रल मेल से। और ये इसमें लोको हम लोग को लगे रहती हैं, इसमें जो हमारे इंजन लगे रहते हैं जो चेन्नई से विशाखापट्टनम तक रहती है। इसमें हम लोग को एरिडो का वेब सेवन वरना आरपीएम का वेब 4 वरना आरपीएम का वेब 7 लगा रहता है और ये विशाखापट्टनम से हावड़ा तक संतरगढ़ची का वेब 4 लगा रहता है। तो ये इसका लोको और रेक रिवर्सल होता है विशाखापट्टनम में, मतलब कि इसका इंजन और इसका पूरा रेक डायरेक्शन चेंज करता है विशाखापट्टनम में। तो इसका सोर्स स्टेशन है चेन्नई सेंट्रल जहाँ पे ये 8:45 में यहाँ से खुल जाती है। इसके बाद ये ओंगलो जंक्शन में पहुँचती है जहाँ पे ये 12:48 में पहुँचती है और 12:50 में यहाँ से खुल जाती है। इसके बाद ये विजयवाड़ा जंक्शन में पहुँचती है जहाँ पे ये 3:10 में पहुँचती है, 3:25 पर यहाँ पर खुल जाती है। इसके बाद ये इलुरू स्टेशन पर पहुँचता है जहाँ पर 4:09 में पहुँचती है और 4:10 में यहाँ से खुल जाती है। इसके बाद ये टलेपेलिंगुडम जंक्शन में पहुँचते हैं जहाँ पे ये 4:39 में पहुँचती है, 4:40 में यहाँ से खुल जाती है। इसके बाद राजमुंद्री स्टेशन में पहुँचती है जहाँ पे ये 5:25 में पहुँचती है और 5:30 में यहाँ से खुल जाती है। इसके बाद ये विशाखापट्टनम जंक्शन में पहुँचती है, यहाँ पे ये एक नौ पचास में विशाखापट्टनम जंक्शन पर पहुंचती है और 10:10 पर यहाँ से खुल जाती है। इसके बाद ये ब्रह्मपुर स्टेशन पर पहुंचती है जहाँ पे ये उड़ीसा के अंदर एंटर कर चुकी होती है। यहाँ पे ये 1:55 में 1:55 में पहुंचती है, 1:57 में यहाँ से खुल जाती है। इसके बाद ये खुर्दा रोड जंक्शन में पहुँचती है जहाँ पे ये 3:55 में पहुँचती है और 4:10 में यहाँ से खुल जाती है। इसके बाद ये भुवनेश्वर जंक्शन में पहुँचती है जहाँ पे ये 4:35 में पहुँचती है और 4:40 में यहाँ से खुल जाती है। इसके बाद ये कटक जंक्शन में पहुँचती है जहाँ पे ये 5:10 में पहुँचती है और 5:15 में यहाँ से खुल जाती है। इसके बाद ये जजपुर खेंजोझार रोड में पहुँचती है जहाँ पे ये 6:08 पर पहुँचती है और 6:10 पर यहाँ से खुल जाती है। इसके बाद ये भादरक जंक्शन में पहुँचती है जहाँ पे ये 7:15 में पहुँचती है, 7:17 में यहाँ से खुल जाती है। इसके बाद ये बालेश्वर जंक्शन में पहुँचती है जहाँ पे ये 8:01 में पहुँचती है और यहाँ से इसके बाद ये 8:06 में यहाँ से खुल जाती है। इसके बाद ये खड़गपुर जंक्शन में पहुँचती है जहाँ पे 9:40 में पहुँचती है और 9:50 में यहाँ से खुल जाती है। इसके बाद ये संतरगढ़ची जंक्शन में पहुँचती है जहाँ पे 11:12 में पहुँचती है, 11:13 में यहाँ से खुल जाती है, 11:12 यहाँ से पहुँचती है, 11:13 में यहाँ से खुल जाती है। इसके बाद ये अपने डेस्टिनेशन में पहुँच जाती है हावड़ा जंक्शन, यहाँ पे ये 11:50 में पहुँच जाती है। यहाँ पे ये अपना
1662.1 किलोमीटर का जर्नी तय करती है। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, और कमेंट करके आपको कौन सी ट्रेन पे वीडियो बनानी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।